शाजापुर वार्ड क्रमांक 25 लक्ष्मी नगर के रहवासियों द्वारा आज नगर पालिका में शिकायती आवेदन दिया गया, जिसमें बताया कि ठेकेदार और पार्षद के द्वारा मनमर्जी कर काम पक्षतापूर्ण रवैये से किया जा रहा है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि साइट नाली निर्माण दोनों तरफ का अलग अलग किया जा रहा है। एक तरफ 2 फीट और एक तरफ 1 फीट नाली की गई, जिससे एक तरफ के मकानों को ज्यादा क्षति हुई है, जिससे उनके घर के बीम और ओटला नल कनेक्शन आदि के तोड़े जाने से रहवासियों को काफी परेशानी आ रही है। साथ ही ठेकेदार और पार्षद पर रिश्वत लेकर काम करने का आरोप भी रहवासियों द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका और पार्षद रहवासियों को किस प्रकार से सांत्वना देकर शांत करेंगे। हम लोग साहब वो नाली की समस्या को लेकर आए हैं। जो पैसा दे रहे हैं उन लोगों की नाली तोड़ दे रहे हैं, और जो पैसा नहीं दे रहा उनकी तोड़ रहे हैं। वो पार्षद जो बोलता है कि अपनी मर्जी से भाई जो करना करो, हम हमारी मर्जी से काम करेंगे, आपकी मर्जी से कोई काम नहीं होगा। कौन सा वार्ड की समस्या? वार्ड नंबर 25 की है। सीओमा साहब के पास यहाँ पर आप आए तो उनसे क्या चर्चा हुई, क्या बोले? सीओमा साहब ने अभी आश्वासन दिया कि हम लोग आएंगे, अभी 3 बजे तक दिखाता हूँ मैं सारी स्थिति क्या है, इसके बाद हम फिर जांच करवाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है सीओमा साहब ने। बाढ़ क्रमांक 25 में नाली का निर्माण चल रहा है, और बाढ़ के कुछ नागरिक जो अतिक्रमण वगैरह के संबंध में पक्षपात हो रहा है उसके संबंध में शिकायत लेकर आए थे, तो मैं स्वयं उसमें मौका जाकर देखूंगा और उसका निराकरण करूंगा। सर, उनका कहना है कि हमारा हाथ पक्षपात किया जा रहा है। हाँ, वो जिनके पैसे दिए जा रहे हैं उनको तोड़ नहीं रहे हैं, ये आरोप गलत है। एक जैसी जो पूर्व नाली बनी है उसी अनुसार ही वर्तमान नाली भी बनेगी। शाजापुर से संवाददाता हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।